हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियो को देख रहे होंगे। देखिए बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेफिनेशन बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि एक यूनिट से आप क्या समझते हैं, या 1 किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए, या फिर 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, या 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है। तो बच्चों देखिए, जैसे कि स्पष्ट है और हमको ये दिख रहा है कि 1 किलोवाट घंटा से आप क्या समझते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है, 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में है, जो 1 किलोवाट शक्ति वाले परिपथ में 1 घंटे में व्यय होती है। यानी ऐसा परिपथ जिसकी शक्ति क्या हो, इसकी पावर क्या हो, सामर्थ्य क्या हो, 1 किलोवाट हो। कितनी हो? 1 किलोवाट। और उसमें 1 घंटे में जो व्यय हो रही, जो खर्च हो रही, इसको बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा या फिर 1 यूनिट बोलते हैं। तो बच्चों देखिए, 1 किलोवाट घंटा क्या होता है? तो 1 किलोवाट घंटा की अगर हम बात करें, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में कि 1 kWh, 1 किलोवाट आवर। तो बच्चों 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या? देखिए बच्चों, 1 kW यानी 1 किलोवाट और गुणा 1 आवर यानी 1 घंटा। यानी 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या? 1 kW × 1 आवर यानी कि 1 घंटा। अब 1 किलोवाट है बच्चों, कितने वाट होते हैं? तो 1 किलोवाट में बच्चे बोलते हैं कि 1000 वाट होते हैं। कितने होते हैं? 1000 वाट। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड हो गए। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में कितने हो गए? 60 सेकंड हो गए। देखिए यहाँ पर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये 36 और कितने 5 जीरो हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? वाट सेकंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? वाट सेकंड। इसी को हम लोग जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो कितना आगे देखिए, इसको लिख सकते हैं 36 × 10^5 कितना? 5 जूल। इसको और लिख देंगे सही से तो क्या हो जाएगा? 3.6 × 10^6 जूल। यानी बच्चों जो 1 किलोवाट आवर है, 1 kWh है, इसमें आपको क्या मिलता है? 3.6 × 10^6 जूल। यानी 1 किलोवाट घंटा में 3.6 × 10^6 जूल होते हैं। इसको बच्चे नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हेडिंग है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बच्चों।